ये जो है स्कीम CII में जो EVI के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में पशु शक्ति उपयोग परियोजना के नाम से कहते हैं। कि बैलों का जो इस्तेमाल है खेत की जुताई के लिए, बुआई के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, थ्रेसिंग के लिए, चारा काटने के काम में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या है कि जो बैलों की जितनी शक्ति है उसके हिसाब से हम काम नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी समस्या को देखते हुए हम किस प्रकार से यंत्रों का डिजाइन करें जिससे कि अधिक से अधिक काम ले सकें। दूसरा ये देखा गया है कि जो बैलों को हम 250 से 300 घंटे इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा बैलों को हम साल भर खाली रखते हैं, इससे क्या है किसानों को इनके ऊपर खाने पर खर्च करना पड़ता है। तो इस स्कीम के तहत जैसा हमने बताया कि कई किस प्रकार से हल बनाए जाएं जो कि उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा हो, और जो बुआई के लिए यंत्र है सीड ड्रिल जिसको बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, इन पर आविष्कार हो रहा है। दूसरा जो हम खेतों में करते हैं, अगर धान की बुआई करना है तो उसके लिए कीचड़ बनाया जाता है, तो उसके लिए पडलिंग तरीके का इक्विपमेंट बनाया जाए जिससे कि खेत की मचाई अच्छी से हो सके। और इसी प्रकार से जैसे हमने खरपतवार की बात की थी, तो खरपतवार करने के लिए अभी भी बैलों के अलावा कोई भी किसी प्रकार का अधिक से अधिक साधन नहीं है। इनकी किस प्रकार से हार्नेसिंग की जाए, किस प्रकार से यंत्र बनाए जाए जिससे कि अधिक से अधिक खरपतवार निकाला जा सके। ये देखा गया है कि ये जो मशीनें बनाई गई हैं इनकी कीमत ज़्यादा नहीं है, इससे छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से परचेज कर सकते हैं। और जो गांव के हमारे आर्टिजन हैं जो कि छोटे छोटे यंत्र बनाते हैं, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसके के द्वारा इनको अधिक से अधिक बना सकें और वहीं गांव में इन इम्प्लीमेंट की सप्लाई कर सकें, और इनकी जो रख रखाव है इसके द्वारा भी उनको ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखकर इस स्कीम को करते हैं और गांव पहुंचाया जाता है, तो इससे किसानों पे जो लागत आ रही है आर्थिक, उनके फायदा होगा और उनका जीवन का लेवल ऊंचा बन सकेगा।